Assalamu alaikum students, this is our class math, 3 class math book. We start our second lecture, page number 10. First lecture we learn about 4 digit numbers and their names, and in this lecture we learn about 5 digit numbers and their names. Is chapter mein class aaj hum 5 digit number padhenge. ये देखें 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स. तो इसमें हम 5 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि 5 डिजिट नंबर हमारे पास कैसे बनते हैं. तो ये देखें, लुक एट बुक, 10,000, 1,000, 100, 10s and 1s. तो ये देखिए, आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हमारे पास 5 डिजिट में कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 5 वैल्यू. कितनी वैल्यू आएंगी हमारे पास, 5 वैल्यू. तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है हमारे पास, वो 10 मीन, जैसे ये 10 के नीचे नंबर क्या है, वो 3 है. 3 मीन 30. 3 मीन क्या होता है, 30. ऐसे अगर इसकी जगह पे 4 होता तो वो 40, 50, 60 ऐसे नंबर बनते. तो आज हमने जबकि स्टार्ट करना है 10,000, तो 10,000 में भी हमने अपनी वैल्यू को सबसे पहले रीड आउट करना करेंगे. रीड आउट करेंगे, जब हमें नंबर रीड आउट करना आएगा तो फिर हम इसका अच्छी तरह से नंबर नेम राइट करेंगे. अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो से 66, 10,000, 1,000, 200, 3 10s and 2 1s. तो अब हम इसको रीड आउट कैसे करेंगे. 6, 10,000 का मतलब है 61,000. हमने इसमें 10,000 और 1,000 की दोनों की वैल्यू को इकट्ठा पढ़ना है, मिला के. जैसे 30 को 10 को 1 के साथ मिला के पढ़ते हैं 30, तो ऐसे ही हमने 10,000 में 6 को अकेला 6 नहीं पढ़ना, क्या रीड करना है इसको, 61. तो अब हम इसका नंबर नेम राइट करेंगे 61,234. ये देखें, लुक बुक के ऊपर भी 61,234. अब नेक्स्ट नंबर देखें, फिर हम इसको 7 को अकेला 7 नहीं रीड करेंगे, 78,815. इसमें हमने 10,000 और 10,000 की वैल्यू को इकट्ठा, 100 हमारे पास सेपरेट नंबर होगा, इसको हमने अलग से ही पढ़ना है, फिर 10s और 1s को मिला के नंबर पढ़ेंगे. अब 78,815. नेक्स्ट देखें, 36,207. फिर 90,560. अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास 10,000 में, देखिए हमने ये 8 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या है ये 80 ऊपर है, ये देखिए 0, तो ये 90 है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे 80,000. अब 100 की वैल्यू हमारे पास 0, इसको हमने छोड़ देना, फिर एंड 71. 80,071. फिर इसका नंबर नेम देखें, 80,071. अब नेक्स्ट देखें दोबारा, 21,059. 100 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसको आपने स्किप कर देना है, 21,059. तो नेक्स्ट वाला अब नीचे प्रैक्टिस है हमारी. तो ये देखें, पहले सारे नंबर आपने रीड आउट करने हैं, ये सारे ऐसे लेके जो तक, फिर आपने राइट कर इसको रीड आउट करने के बाद आपने फिर इनके पेयर बना लेने. ऐसे 98 बनेगा हमारे पास, 98,017. इसको ऐसे पहले, फिर 60,666. ऐसे फिर आपने इनके स्पेल लिख देने हैं, नीचे राइट कर देने सारे, फुल पेज आपने ये इसी तरह करना है. फिर आपने नोटबुक के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है. जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने ऊपर अपना टॉपिक में लिखना है 5 डिजिट नंबर. टॉपिक में क्या लिखेंगे, 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम. फिर आप अपने एक लाइन के ऊपर ये कॉलम बनाएंगे, 10,000, 100, 10,000, 1,000, 10s and 1s बना के फिर नीचे नंबर राइट करेंगे. फिर नीचे 2 लाइन पे ऊपर आपने ये नंबर नेम लिखने हैं. हर स्पेल के प्रैक्टिस में आपने नीट नीट लिखने हैं नंबर, ये नहीं चीटिंग करने, और अपनी तरफ से नंबर आपने राइट करने हैं नोटबुक के ऊपर, ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है हमारा नेक्स्ट है, उसमें हमने नेक्स्ट पे हमारा पास नंबर नेम दिए गए हैं, हमने इस पे नेम क्वेश्चन का नेम लिखना है. नंबर नेम दिया गया क्वेश्चन का, अकेला नंबर राइट करना है. आप देखें, इसमें भी हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर की तरह ऊपर 10,000, 1,000, 100, 10s and 1s ऐसे लिखना है, लिखा हुआ है. और नोटबुक के ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भी आपने ये इसी तरह ही लिखने हैं ऊपर, ये हमने ज़रूर लिखना है क्वेश्चन में ये लाइन, ठीक है. फिर आप देखें, 10,000 तो 10
वन 10,000 में आएगा, फिर 0,000 में चला जाएगा, 509, 509, नाइन जबकि हमारे पास वन की वैल्यू है तो ये वंस में चला जाएगा, और टेंस में हमारे पास कोई नंबर नहीं तो उसकी जगह पे आपने ज़ीरो राइट कर देना है। तो सारे नंबर बार बार पढ़े, पढ़ने के बाद फिर आपने इनको इस तरह नंबर में राइट करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको नंबर ज़्यादा बड़े नंबर रीड करने आएंगे, फिर आपको उसका नेम लिखना आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन 10,000s, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब इस पेज पे इस क्वेश्चन में क्लास हमने हर क्वेश्चन को उसकी वैल्यू में राइट करना है, कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देना है, ये देखें ऐसे 10,000, फिर थाउजेंड, फिर हंड्रेड, टेंस एंड वंस। क्वेश्चन के ऊपर छोटा सा ऐसे राइट कर दें, फिर देखें जो सेवन की वैल्यू वो 10,000 है। जैसे ये फॉर एग्जांपल बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करके 7, 10,000, वन की वैल्यू हमारे पास 1,000 है वो 1,000 में चली जाएगी, 3 की वैल्यू हमारे पास 100 है वो 100 में आएगी, 4 की वैल्यू हमारे पास 10s है वो 10s आएगा, और 2 वो हमारे पास 1s है, एंड 2 1s। अब नेक्स्ट देखें नीचे 5, 10,000, 6,000, 0,100, 1,000 एंड 3,000s, अंडरस्टैंड। फिर नीचे है 9,000s, 9,000, 4,000, 600, 0,000s एंड 8,000s। आपने ये फुल पेज इसी तरह से राइट करना है, और इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज भी आपने हमारे पास ये ज़रा देखें, ये गौर से समझें, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज सॉल्व होगा। ये है 4-डिजिट नंबर एंड देयर प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन होता है कि आपने बताना है कि जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने उसमें सबसे पहले क्लास के 3-डिजिट नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो उसकी वैल्यू कैसे होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 100, 10s, 1s। ये देखें चार्ट का अब नज़र आ रहा है, इसमें 100 में कितनी वैल्यू होती है, 3। तो 3 वैल्यू जब हमारे पास 4-डिजिट नंबर आ जाता है, ये नीचे देखें 4-डिजिट नंबर में हमारे पास कॉलम बनेगा 10,000, 100, 10s एंड 1। तो इसमें हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 वैल्यू। तो हमने 4 वैल्यू में हमारे पास 1,000 नंबर आ जाता है 1,000 का, तो ये 4 वैल्यू में चला जाता है। जब हमने 5 वैल्यू का कॉलम राइट करना है, ये देखें नीचे, उसके लिए कॉलम बनाएंगे 10,000, 1,000, 100, 10s एंड 1s। अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम बनाए हैं हमने, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें इसका मतलब 10,000 का मतलब है कि 5-डिजिट हमारे पास होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पेज पे ज़रा देखें, प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग 4-डिजिट नंबर्स, वन ऑफ द डिजिट्स हैज बीन सर्कल्ड, राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस टू शो द वैल्यू। कि आपने ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कहता है कि हमने एक नंबर सर्कल किया गया है, आपने उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है वो। आप जो वैल्यू आप किया गया आपने उसका नंबर नेम लिखना है, सिर्फ उसी नंबर का, सब का नहीं लिखना। कि अगर वो 1,000 है, अगर फॉर ये देखें 6, अब हमने सबसे पहले उसके ऊपर राइट, ये 1, 2, 3, 4 वैल्यू है हमारे पास। 4 वैल्यू में हमारे पास क्या आता होता है, 1,000, 100, 10s एंड 1s। हम क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे 1,000, 100, 10s एंड 1s, ऐसे लिख लेंगे। अब देखें ये जो सर्कल वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है सर्कल वैल्यू, वो है 4, 600। ये देखें 600 राइट किया हुआ है, यस। अब हमने 600 है तो हमने 100 वाले कॉलम में इसके बीज ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट देखें 9,006। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू हमारी सर्कल की गई है, तो ये वैल्यू हमारी इसके ऊपर फिर हम लिखेंगे पहले 1,000, फिर 100, 10s, 1s। अब कौन सी वैल्यू सर्कल की गई है, 9,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग में ऐसे 9,000 लिखने के बाद, यहाँ पे हमने 1,000 में इसके ऐसे 9 सर्कल ड्रॉ कर देने हैं इस वाले ब्लॉक में, 1,000 वाले में, ठीक है। ये सारे हमने ऐसे ही फुल पेज करने हैं। यहाँ पे 2 10s की वैल्यू सर्कल की गई, तो हमने 10s वाले कॉलम में 2 बीज ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास 100 की वैल्यू है, तो हम 900 राइट करेंगे, 900 राइट करके 900 वाले ब्लॉक में इसके बीज ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, के जो सर्कल डिजिट किया गया है उसकी वैल्यू क्या है वो आपने बताना है, कि वो आया कि वो 10s है, 1s है, 10s है, 100 है,
1000 है या 10,000 है, जो वैल्यू है आपने पहले वो लिखनी है, फिर आपने उसको ज़ीरो के साथ उसको मेंशन करना है कि वो वैल्यू असल डिजिट में क्या है। अब देखें फर्स्ट, ये देखें ये नीचे वाला बी वाले पे, ये देखें फर्स्ट वाला सॉल्व किया गया, 9/10 है और तो 9/10 किसके इक्वल है 90 के। अब नेक्स्ट बी वाला देखें, बी वाले में 4 सर्कल किया गया ऊपर, सबसे पहले मैंने भी ये देखिए नज़र आ गया 10,000, 100, 10, 1 ऐसे राइट कर लेना है। अब देखें ये जो 4 सर्कल किया गया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1s। हम लिखेंगे यहाँ पे 4 1s, 4 1s की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 1s किसके इक्वल है अकेला 4 के, 1s में हमारे पास सिंगल नंबर आता है तो इसलिए हमने यहाँ पे अकेला 4 राइट करना है। अब नेक्स्ट देखें सी, सी में हमारे पास कौन सा नंबर सर्कल है, वो 1 है, 1 की वैल्यू ऊपर देखें क्या है 100, ये 100 तो 100 लिखेंगे, तो 100 किसके इक्वल है 100 के। अब नेक्स्ट है ये देखें 3 सर्कल किया गया है, 3 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ऊपर मैंने राइट की हुई है तो आपने भी राइट करनी है 3000 लिख के, फिर 3000 किसके इक्वल है, और 3000 को आपने इसके ज़ीरो के साथ मेंशन कर देना है। अब ये 6 देखें, 6 है हमारे पास, ये 10,000 है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 6 10,000, फिर साथ उसके उसकी ज़ीरो लगा देंगे, 5 4 0 लगा देंगे इसमें, ठीक है 6 लिख के साथ 4 0। अब यहाँ पे हमारे पास 1000 है, 6000 लिख के फिर 6 के साथ 6000 बनाएंगे, यहाँ पे 4000 है तो 4 10,000 लिखेंगे पहले और फिर 4 10,000 ऐसे, तो ये फुल पेज आपने ऐसे करना है। फिर नीचे हमारे पास ज़रा देखें ये क्वेश्चन, 2-digit number इज़ हमारे पास, 2-digit number हमारे पास क्या है, 10 है, 10 में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2 है, 1 2। अब 3-digit number इज़ क्या है, अब 10 के बाद 3 digit में हमारे पास नंबर क्या आता है 100, देखिए 1 2 3 वैल्यू है इसकी, 100 राइट कर दिया है। 4-digit number इज़, 4 digit में हमारे पास 1000 आता है, हमने के ये देखे 1 2 3 4 digit में 4 digit राइट कर दिए हैं। अब ये थी हमारे स्मॉलेस्ट नंबर, अब है ग्रेटेस्ट नंबर, नीचे द ग्रेटेस्ट नंबर 2-digit number इज 99। अब देखें ऊपर में ज़रा देखें, 10 जो है 10 भी 2-digit number है, 99 भी 2 है। अब बताएं 10 नंबर बिगेस्ट है या 99 नंबर बिगेस्ट है, तो ये देखिए 99 नंबर बिगेस्ट है 2 digit में, तो ये हमारे पास 2-digit number 99 है। 3 digit में हमारे पास 999 आ जाएगा, 4 digits ये 0 10 100 1000 आ जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर में हमारे पास 99, फिर 999, 4-digit number में हमारे पास आएगा 9999। तो ये आप इसको ऐसा लिख लें, तो ये आज हमारा वर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हमारा ये फिर नंबर नेम का चैप्टर ये क्लोज़ हो गया है, तो अब आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, पेरेंट्स को एक टेस्ट देना है, फिर आपने वो चेक करवा के इसके ऊपर साइन भी करने हैं पेरेंट्स ने, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।